Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home. Children, I know very well that you all are studying in a very proper manner, but still you required a guidance. A proper study habit should be there in yourself. And I hope you all are watching these videos. These videos are only for you children, so it's very important for you all to see this one and ask your doubts in the classroom. जो भी आपको problem हो रही है आप उसको देखो और classroom में आप ये सारी चीज़ें teachers से discuss करो, बहुत important है. The topic which I am going to discuss with you today is about the perceiver. Perceiver के बारे में, it is a topic which belong to the chapter sensation, attention and perceptual process. So basically it belong to the chapter perceptual process. When I talk about the perceptual process, you already studied about what is perception. First of all, what is sensation, then what is attention, and then what is perception. Let me write down the topic first of all. The perceiver. ठीक, ये हम लोग समझेंगे. चिल्ड्रन, आप सभी को मालूम है कि सेंसेशन क्या होता है. सेंसेशन द इंफॉर्मेशन विच यू रिसीव फ्रॉम योर सेंस ऑर्गन इज द सेंसेशन. आपके सेंस ऑर्गन ने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी, सो आपको सेंसेशन हुआ. उस सेंसेशन को जो भी मीनिंग आप असाइन करते हो, दैट इज द परसेप्शन. द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट और गिव मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड परसेप्शन. सो बेसिकली चिल्ड्रन, परसेप्शन क्या है? इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ सेंसेशन. ये क्या है? आप इंटरप्रिटेशन निकालते हो सेंसेशन का. सो दैट इज परसेप्शन. द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज रिटन ओवर हियर इज परसीवर. आज मैं आप सभी से ये डिस्कस करने वाली हूँ कि परसीवर क्या होते हैं. हमने ये जाना सेंसेशन क्या है, परसेप्शन क्या है. परसीवर वो जो परसीव कर रहा है, जो परसेप्शन कर रहा है. द पर्सन, द इंडिविजुअल इज द परसीवर हु इज डूइंग द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन. ओके, सो ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट जस्ट मैकेनिकल and passive recipients of stimuli from the external world. They are creative beings and try to understand the external world in their own ways. हम इंसान जो हैं, ये कहना चाहता है कि हम लोग passive recipients नहीं हैं. ऐसा नहीं होता कि पर्सन कोई भी कुछ भी करता है, हम लोग बस उसको एज इट इज परसीव करते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों. हम लोग एक एक्टिव रिसिपेंट्स हैं. अगर कोई पर्सन कुछ वे कम्युनिकेट कर रहा है तो हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं. सो वी आर नॉट अ पैसिव रिसिपेंट्स, इन फैक्ट वी आर अ एक्टिव रिसिपेंट्स. हम लोग एक्टिव रिसिपेंट्स हैं. हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. ओके, तो सो मेनी प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन दिस वन. इट इज नॉट लाइक दैट वी ओनली बिकम अ पैसिव रिसिपेंट्स ऑफ द स्टिमुलाई फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड. हम लोग पैसिव, लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट इज बिहेवियर एंड व्हाट इज परसेप्शन. लाइक सेंसेशन हुआ आपको एक पिंच का, जस्ट लाइक एग्जांपल, एक मस्कीटो ने बाइट किया, आपको सेंसेशन हुआ, आपने उसको मीनिंग असाइन किया कि इट वाज अ मस्कीटो बाइट. ओके,
सो वॉट हैपन, तो जब उसने बाइट किया, क्या आप यू आर वेरी रिलैक्स? नो, यू ट्राइंग टू रिमूव इट. सो ह्यूमन बींग्स द परसीवर नॉट ओनली जस्ट परसीव इट बट ऑल्सो रिएक्ट टूवर्ड द स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड टूवर्ड द स्टिमुलाई. ओके, इन दिस प्रोसेस देयर मोटिवेशन एंड एक्सपेक्टेशन, कल्चरल नॉलेज, ओके, एवरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल चिल्ड्रन. ऐसा नहीं होता कि पर्सन जैसा स्टिमुलाई दे रहा है वो वैसा ही रिसीव करता है. पर्सन के अपने खुद के मोटिवेशन, अपना मोटिवेशन लेवल क्या है, खुद का एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपेक्टेशन, खुद का नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंस, मेमोरीज, वैल्यूज, बिलीफ, एटीट्यूड. एटीट्यूड मीन्स द थॉट्स, ओपिनियन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग मीनिंग टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड. ओके, सो सभी चीजें अफेक्ट करती हैं. सो यहाँ पे हम कुछ परसीवर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो परसीवर को बहुत अफेक्ट करती हैं, जिनमें सबसे पहला है, द फर्स्ट वन इज द मोटिवेशन. मोटिवेशन, वट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन चिल्ड्रन? मोटिवेशन इज समथिंग विच एनर्जाइजेज द पर्सन टू डू समथिंग. ये पर्सन को एनर्जी देता है कि वो कुछ करे. द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ ए परसीवर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस हिज और हर परसेप्शन. पर्सन की जैसी भी डिजायर होती हैं, जो भी नीड होती हैं, वो उसके परसेप्शन को जरूर से इन्फ्लुएंस करती हैं. जैसा भी नीड होता है, जैसा भी डिजायर होता है, वैसा ही परसेप्शन होता है. रॉन्ग नीड है, रॉन्ग डिजायर है, नेगेटिव है, नेगेटिव परसेप्शन होगा. पॉजिटिव नीड्स है, पॉजिटिव डिजायर है, सो पॉजिटिव परसेप्शन होगा. अंडरस्टूड? बेसिकली मोटिवेशन इज रिलेटेड टू द नीड्स. आर नीड्स इंक्लूड बोथ द नीड ऑफ ए पर्सन. पर्सन की दोनों नीड्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी फुलफिल. बायोलॉजिकल नीड एज वेल एज साइकोलॉजिकल नीड एंड सम सोशल नीड. दीज आर सम ऑफ द नीड्स ऑफ ए पर्सन विच गवर्न द पर्सन टू डू एनीथिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप सभी से ये चीजें डिस्कस भी की थी क्लास में. लाइक इफ एनी पर्सन इज वेरी हंग्री, तो उसकी नीड क्या है? फूड है एट दैट टाइम व्हेन द पर्सन वाज हंग्री. सो व्हेनेवर ही सी एनी पिक्चर ऑफ एनीथिंग, ही सॉ द पिक्चर ऑफ फूड, तो उसका परसेप्शन क्या होगा? वो फूड परसीव करेगा. मान लीजिए वो कोई बुक पढ़ रहा है या आर्टिकल या मैगजीन पढ़ रहा है, तो उसमें उसको हर जगह क्या होगा? एवरीवेयर ही सॉ द फूड आइटम्स. समवेयर ही फाउंड आउट द समोसा, समवेयर ही फाउंड आउट द मैगी. तो इस तरह से उसको हर जगह. सो हमारे नीड जैसी होती है, हमारा परसेप्शन वैसा होता है. And it is very, very true. So there are so many examples. Now you have to find out the example. People want to fulfill their need and desire through various means. One way to do this is to perceive objects in a picture as something that will satisfy their need. Experiments were conducted to examine the influence of hunger on perception. हंगर का क्या इन्फ्लुएंस होता है परसेप्शन पे? इस पे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी हुए हैं. ठीक है, तो व्हेन हंग्री पर्सन वाज शोन एम्बिगियस पिक्चर्स का मतलब होता है अनक्लियर पिक्चर. ऐसे पिक्चर जो अनक्लियर हो. फॉर एग्जांपल, जो हंग्री पर्सन है, मान लीजिए कुछ ऐसे अजीब तरीके का उनको कोई पिक्चर दिखा और उनको बोला गया कि व्हाट यू आर सीन इन दिस पिक्चर. तो जो हंग्री थे, तो दे वर फाउंड टू परसीव देम एज पिक्चर्स ऑफ फूड ऑब्जेक्ट्स मोर ऑफन देन सेटिस्फाइड और नॉन हंग्री पर्सन. मतलब दो कैटेगरीज के पर्सन को दिखाया गया पिक्चर, ऐसे एम्बिग्यूस पिक्चर, अनक्लियर पिक्चर, हंग्री पर्सन को भी और नॉन हंग्री को. तो जो हंग्री थे, वो उन्हें क्या हो रहा था कि उन्हें उसमें फूड आइटम्स दिख रहे थे इन कंपेरिजन टू द नॉन हंग्री पर्सन. सो उन्होंने प्रूव किया कि यस, इट हैज द इफेक्ट. ठीक है, सो मोटिवेशन वेरी मच अफेक्ट द पर्सन्स परसेप्शन.
पर्सन के परसेप्शन को मोटिवेशन बहुत हद तक अफेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे परसीवर का। व्हाट इज द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए परसीवर? सो द नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशन। आफ्टर द मोटिवेशन द सेकेंड कम द एक्सपेक्टेशन। पर्सन की एक्सपेक्टेशन भी बहुत गवर्न करते हैं उसके परसेप्शन को। एक्सपेक्टेशन, मोटिवेशन, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। एक्सपेक्टेशन को हम लोग परसेप्चुअल सेट भी कहते हैं, परसेप्चुअल सेट। इट इज ऑल्सो नोन एज परसेप्चुअल सेट, ठीक है। हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं हमारा परसेप्शन भी वैसा होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे हो एंड अभी न्यू ईयर हुआ, नया साल आया, तो मान लीजिए हमें अगर कोई पर्सन है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके पेरेंट्स उससे मिलने आए हों, नॉट होगी डोर पे जरा सा भी तो उसको जस्ट लगेगा कि अच्छा मम्मी पापा आ गए, ओके पेरेंट्स आ गए। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस भी हमारे परसेप्शंस को गवर्न करते हैं और उनमें चेंज लाते हैं। द एक्सपेक्टेशन अबाउट वॉट वी माइट परसीव इन अ गिवन सिचुएशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस अवर परसेप्शन। दिस फेनोमेना ऑफ परसेप्चुअल फैमिलराइजेशन और परसेप्चुअल जनरलाइजेशन रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू सी वॉट वी एक्सपेक्ट टू सी इवन वेन द रिजल्ट डू नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एक्सटर्नल रियालिटी। हम जो देखना चाहते हैं हम वही देखते हैं। दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेशन गवर्न अवर परसेप्शन, ठीक है। परसेप्चुअल फैमिलैरिटी या परसेप्चुअल जनरलाइजेशन, ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू सी वॉट वी एक्सपेक्ट टू सी बट द रिजल्ट डू नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एक्सटर्नल रियालिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी है बहुत ही इंटरेस्टिंग। इफ योर मिल्क मैन डिलीवर्स योर मिल्क डेली एट अबाउट 5:30 AM, एनी नॉकिंग एट द डोर अराउंड दैट टाइम इज लाइकली टू बी परसीव एज द प्रेजेंस ऑफ द मिल्क मैन इवन इफ इट इज समवन एल्स। मान लीजिए 5:30 पे आपके घर मिल्कमैन आता है, तो जो कोई भी नॉट उस टाइम पे अगर हो रहा तो आपको यही एक्सपेक्ट आप करोगे कि देयर वॉज अ मिल्क मैन। सो यू चिल्ड्रन, यू आर सीइंग हाउ द एक्सपेक्टेशन इज गवर्निंग द परसेप्शन। आई होप बोथ द टॉपिक्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। चिल्ड्रन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए परसीवर, द परसीवर मोटिवेशन एंड परसीवर एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्चुअल सेट एंड हाउ दे आर गवर्निंग द पर्सन्स, और आई कैन से दैट हाउ दे आर गवर्निंग द परसीवर्स परसेप्शन। आगे बढ़ते हैं, द थर्ड फैक्टर, द थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर इज कॉग्निटिव स्टाइल। ये भी डिटरमाइन करता है पर्सन के परसेप्शन को कि वो कैसी स्टाइल का है, वो किस तरीके की उसकी कॉग्निटिव स्टाइल है। जैसी भी उसकी कॉग्निटिव स्टाइल होगी वैसा ही वो परसेप्शन करेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए परसीवर। कॉग्निटिव स्टाइल रिफर्स टू अ कंसिस्टेंट वे ऑफ डीलिंग विद अवर एनवायरमेंट। इट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द वे वी परसीव द एनवायरमेंट। देयर आर सेवरल कॉग्निटिव स्टाइल दैट पीपल यूज इन परसीविंग देयर एनवायरमेंट। So basically there are two type of cognitive style are discussed over here. The one is field independent and another one is field dependent.
filled independent and filled dependent. Okay, fine. Filled independent and filled dependent. क्या है ये स्टाइल? Filled dependent people perceive the external world in its totality, that is, in a global or holistic manner. On the other hand, filled independent people perceive the external world by breaking into smaller units, that is, in an analytic or differentiated manner. Basically, filled dependent वाले जो लोग होते हैं वो हर एक चीज को एज अ होल देखते हैं, टोटल में, ठीक है. और filled independent वाले फोकस करते हैं पार्ट्स पे, ये होल पे फोकस करते हैं और वो पार्ट्स पे फोकस करते हैं, ठीक है. नाउ आप इंडिपेंडेंट से कोरिलेट कर सकते हो आई फॉर इंटेलिजेंट. जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी एक क्वालिटी होती है कि वो एक एनालिटिकल होते हैं, एनालिटिकल थिंकर होते हैं, लॉजिकल थिंकर होते हैं, रीजनिंग एबिलिटीज उनमें रहती हैं. तो फिल्ड इंडिपेंडेंट वाले जो लोग हैं इंटेलिजेंट वर्ड्स आप बना सकते हैं, पार्ट्स में देखते हैं. और फिल्ड डिपेंडेंट वाले लोग एज अ होल, कहने का मतलब ये है कि जो भी बाहर का एक्सटर्नल वर्ड है, जो भी स्टिमुलाई है, जो फिल्ड डिपेंडेंट वाले लोग होते हैं वो उसे एज अ होल देखते हैं और फिल्ड इंडिपेंडेंट वाले पार्ट्स में देखते हैं, ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसे एज अ होल देखते हैं और फिल्ड इंडिपेंडेंट वाले उसे पार्ट्स में देखते हैं. तो कैसा कॉग्निटिव स्टाइल है वो भी परसेप्शन को डिफ्रेंशिएट करता है या कह सकते हो डिफाइन करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में, इफ यू सी इन योर बुक सम ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन, द पिक्चर्स लाइक दिस इन दिस वे इट इज मेड अप ऑफ For example, if this figure is shown to you, so in this figure, if the person is of filled dependent, तो उसे as a whole दिखेगा कि एक ये arrow है and like this one is arrow, one is horizontal, one is vertical. But the person who is filled independent, they are able to see the triangles in this one also. There are so many triangles. So if the question arises, if any person asks you to see that in this figure, how many triangles you are able to find out. So you will find out, children, the person who are filled independent, they very quickly find out the triangle. And on the other hand, for the filled dependent people, it is very difficult to find out the triangles in this one. And it is not very difficult, I can say. They take more time in comparison to the filled independent people, whereas the filled independent people will take a lesser number of time to count all the triangles which are hidden in this one. Whereas the filled dependent person take more time because unki personality hai, unka ye cognitive style hai ki wo kisi bhi cheez ko as a whole perceive kar, wo parts pe nahi jaate. But filled independent ki ye quality hoti hai ki wo parts mein bhi dekhte hain. So this on the basis of this quality, it makes them differ from each other. So I hope the topic is clear to you, that how the cognitive style determine the person's perception. Some are filled independent, some are filled dependent. The filled independent people see the things into part. So such kind of person are able to find out the triangle very fast, whereas the filled dependent people, they are unable, not say the unable, they take the more time in finding out the triangles. Because unka cognitive style ye hota hai ki they see the things as a whole.
सो हमारा कॉग्निटिव स्टाइल भी हमारे परसेप्शन को डिफाइन करता है. हम जिस भी तरीके के होते हैं, अगर हम फील्ड इंडिपेंडेंट हैं तो हम उस तरीके से परसीव करेंगे जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और अगर हम लोग फील्ड डिपेंडेंट हैं तो हमारा परसेप्शन बहुत अलग होगा. सो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि विच टाइप ऑफ कॉग्निटिव स्टाइल वी आर. सो आई होप चिल्ड्रन यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक. आगे बढ़ने से पहले हम एक रिवीजन क्विक रिव्यू करेंगे. हमने ये पढ़ा कि परसीवर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि परसेप्शन को डिटरमाइन करते हैं, जैसे परसीवर का मोटिवेशन लेवल, परसीवर का एक्सपेक्टेशन एंड परसीवर की कॉग्निटिव स्टाइल. लास्ट वन है, एक और चीज है जिससे कि पर्सन की चीजों इफेक्ट होती हैं, वो है परसीवर का. द फोर्थ पॉइंट आई एम राइटिंग ओवर हियर, द फोर्थ पॉइंट, परसीवर कल्चरल बैकग्राउंड. परसीवर की जो कल्चरल बैकग्राउंड है, जिस भी कल्चर बैकग्राउंड से वो आ रहा है, और उसका एक्सपीरियंस, कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस, कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ये भी डिटरमाइन करते हैं परसेप्शन को कि व्हाट इज द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ ए परसीवर एंड व्हाट इज हिज और हर एक्सपीरियंसेस. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस वन. Different experiences and learning opportunities available to people in different cultural setting also influence their perception. हर एक person का environment different होता है, culture different होता है, learning experience differ होता है, learning opportunities differ होती हैं. Opportunity in the sense, कई लोगों को बहुत सी फैसिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, कई लोगों को वही फैसिलिटी बहुत डिफिकल्टी से मिलती हैं. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत से लोगों को नहीं मिलती, कई लोगों को बहुत इजीली मिल जाती हैं. तो ये सारी चीज़ें पर्सन्स के परसेप्शन को चेंज करती हैं. लाइक जिसने अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज़ देखे हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिली हैं, तो ऐसे पर्सन्स का परसेप्शन भी आप देखोगे बहुत डिफरेंट होगा. वो उनको कोई भी चीज़ें इतनी इजी नहीं लगेंगी, हार्ड लगती हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में अपने ऐसी तरह से देखा है. सिमिलरली द पीपल जिन्होंने जिनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अपने लाइफ में मिले, जिन्होंने कह सकते हैं कि आई कैन से डैट द पर्सन हु गेट और द पर्सन हु not get even a chance to do a very hard work in their life, तो उनका perception hard work को लेके बहुत casual हो रहा. वो उन्होंने कभी hard work किया ही नहीं, तो they don't know about what is the hard work is. Hard work होता क्या है, कड़ी मेहनत होती क्या है, opportunities क्या होती हैं, they don't know. People coming from a pictureless environment फील टू रिकनाइज ऑब्जेक्ट्स इन पिक्चर्स. ऑब्वियसली मान लीजिए जो सपोज कि अगर कोई ऐसा है जो इस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहा है जहां पे कोई भी पिक्चर नहीं है, वो उसने कभी भी अपने लाइफ में कोई पिक्चर्स नहीं देखे, ठीक है, कोई भी इमेजेस नहीं देखा. अब ऐसे लोगों को आप अगर कोई इमेजेस और पिक्चर्स दिखाओगे, दे आर अनएबल टू आइडेंटिफाई, दे आर अनएबल टू डिटेक्ट, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने उनको उस तरीके का कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ. सो हमारा एक्सपीरियंस भी हमारे परसेप्शन को बहुत डिटरमाइन करता है. आपने मान लीजिए बहुत सी, देर आर सो मेनी क्रिएचर्स इन आवर सराउंडिंग, इन आवर लाइफ, इन आवर वर्ल्ड. हैव यू सीन एवरी क्रिएचर्स? आई थिंक नो. ठीक है, कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स होंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है, तो आप उनका परसेप्शन नहीं कर सकते, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप उनका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, आप उनको मीनिंग असाइन नहीं कर सकते. मान लीजिए एक कोई क्रिएचर है, कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने आ गया, आपने कभी उसको देखा नहीं, यू हैव नॉट सीन सच काइंड ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, एंड
you have no experience of that one, how you will be able to identify it? You will not be able to identify it. It's seemingly impossible. So whatever the exposure we are getting, whatever our experiences, whatever our learning, that very much govern our perception. वो हमारे परसेप्शन को बहुत गवर्न करता है. जिस चीज़ की आपको नॉलेज ही नहीं है, कभी भी आपने उस चीज़ों के बारे में जाना ही नहीं है, आपको नहीं परसेप्शन कर पाओगे. यू डोंट आइडेंटिफाई सच थिंग, सच ऑब्जेक्ट, सच पर्सन. ओके, इस पे एक साइकोलॉजिस्ट थे हुज नेम इज हडसन, HUDSON. हडसन इज द नेम ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट. हियर आई एम राइटिंग ओवर हडसन. आई होप यू आर सीइंग. ओके, हडसन इज अ साइकोलॉजिस्ट. उन्होंने स्टडी किया था परसेप्शन ऑफ पिक्चर्स बाय अफ्रीकन सब्जेक्ट्स एंड नोटेड सेवरल डिफिकल्टीज. उन्होंने कुछ अफ्रीकन सब्जेक्ट्स, अफ्रीकन पार्टिसिपेंट्स लिए थे और उन पे ही उन्होंने स्टडी किया और उनको कुछ पिक्चर्स उन्होंने दिखाया. तो उन्होंने, उनकी कुछ फाइंडिंग्स आई, उन्होंने देखा कि मैनी ऑफ देम वर अनएबल टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स डिपिक्टेड इन अ पिक्चर. ओके, मैनी ऑफ देम, ठीक है, बहुत से अफ्रीकन सब्जेक्ट्स थे जिनको वो पिक्चर्स दिखाए गए, तो वो लोगों ने उन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्टी एज वेल एज देर अनएबल टू डू सो. नाउ they also fail to perceive distance in pictures and interpreted pictures incorrectly. उन्होंने pictures बहुत ही incorrectly interpretation किया. Eskimos have been found to make fine distinction among a variety of snow that we may be unable to notice. Yes, children, Eskimos are the person who are living in the snow area, in the snow. तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्नो, कितने तरीके के स्नो होते हैं, वी डोंट नो. हमें तो क्या लगता है, हमें तो एक चीज मालूम है, हाँ दिस इज अ स्नो, बट उसमें भी कुछ वैरायटीज होते हैं. तो हमारा कोई भी लर्निंग एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा, लर्निंग अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं रही, तो हमें नहीं मालूम. सिमिलरली आप जब फार्मर से बात करेंगे, द फार्मर गिव यू सच इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मिंग, अबाउट द सॉयल टाइप्स, विच वी डोंट नो, क्योंकि दे हैव एन एक्सपोजर ऑफ दैट वन, दे हैव अ लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ दैट वन, दे वर ट्रेन इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वी आर नॉट. सो ऑब्वियसली हाउ वी परसीव द थिंग्स. सो बेसिकली ओवरऑल विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट आवर लर्निंग, आवर एक्सपीरियंसेस वेरी मच गवर्न आवर परसेप्शन. जिन चीजों को हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं जाना, हम उसका परसेप्शन नहीं कर सकते. इसको प्रूव करने के लिए हडसन ने भी एक्सपेरिमेंट किया था अफ्रीकन सब्जेक्ट्स पे और उनको कुछ पिक्चर्स दिखाए गए जो कि वो नहीं पहचान पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो पिक्चर्स, उस तरीके के इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स कभी देखे ही नहीं थे. ओके, सम अब ओरिजिनल ग्रुप्स ऑफ सिबीरियन रीजन हैव बीन फाउंड टू डिफ्रेंशिएट एमन dozens of skin color of reindeers which we would not be able to do so. So these study indicate that perceiver play a key role in the process of perception. People process, interpret stimuli in their own ways depending on their personal, social and cultural condition. Due to these factors, our perception are not only finely tuned but also modified. So basically it's all about the perception, and these all characteristics of a perceiver very much determine and very much influence the person's perception. So I just hope, children, you understand the topic very well. Still, if you find any of the doubt, you ask in the classroom. And I always suggest you to watch the videos, and as you are also watching it, so it will be very much beneficial for you. And so I hope you understand that how the perceiver characteristic, the how many kind of characteristics of the perceiver,
It is the perceiver motivation, perceiver expectation, perceiver cognitive style, perceiver cultural background and experiences. अच्छा, जिस भी कल्चर बैकग्राउंड भी हमारा बहुत हद तक डिटरमाइन करता है हमारे परसेप्शन को, ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस डिटरमाइन करता है, हमारा मोटिवेशन, अवर मोटिवेशन लेवल डिटरमाइन, अवर एक्सपेक्टेशन डिटरमाइन एंड अवर कॉग्निटिव स्टाइल डिटरमाइन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.